नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली न्यूज एक्सप्रेस में और मैं हूं आपके साथ संदेश सक्सेना। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने हाल में ही जी टाउन सोसाइटी के द्वारा आयोजित एक खास कार्यक्रम में हेल्थ एंड फिटनेस को लेकर अभिनेता गोविंदा से एक अवार्ड जीता है। हमारे साथ मौजूद हैं मोहित ठकराल जी। मोहित जी, सबसे पहले स्वागत है आपका दिल्ली न्यूज एक्सप्रेस के ऑफिस में। थैंक यू सो मच। मोहित जी, अगर बात की जाए आपको, सबसे पहले आपको ये फीलिंग क्या आ रही है कि आपको अभिनेता गोविंदा की तरफ से आपको ये अवार्ड के साथ सम्मानित किया गया है? बहुत प्राउड फीलिंग होती है जब भी आप कोई भी अवार्ड हो, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, जिस तरह का भी हो, बहुत अच्छा लगता है आपको। कुछ भी अगर अपने काम के लिए कुछ भी हासिल करने का मौका मिले, इट रियली फील्स गुड। मोहित जी, पहले सबसे पहले अपना छोटा सा इंट्रो हमारे दर्शकों जी। तो मैं अभी तो फिटनेस फील्ड में बहुत काम करता हूँ। आई स्टार्टेड रनिंग मैराथॉन्स इन ईयर 2013। तो 2013 से मैं 21 किलोमीटर 42 किलोमीटर की रेसेस रन कर रहा हूँ। और उसी दौरान हुआ क्या कि फिटनेस की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन हुआ और वो करते करते योग सीखा, फिर बहुत सारी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सरसाइज सीखी और जिससे फाइनली क्या हुआ, नॉलेज इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मैं लोगों को ट्रेन करने लगा, मुझे इनविटेशंस आने लगे और ट्रेन करते करते नाउ आई हैव ट्रेन्ड अराउंड 1 मिलियन पीपल सो फार, मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत लोगों को हेल्प कर पाया हूँ और इसी को आगे ले जाना चाहता हूँ। अब मुझे अगर बात की जाए आपके जीवन सफर की, तो आपने कब इसकी शुरुआत करी कि आपको हेल्थ एंड फिटनेस के लाइन में आना चाहिए और कब आपकी शुरुआत हुई इस चीज़ के लिए? ओके, तो शुरुआत तो शौक तो मुझे बचपन से ही था, लेकिन जो मेंटल ब्लॉक है वो मेरा 2013 में टूटा जब मैंने अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करी। क्योंकि नॉर्मली आप फिटनेस के लिए 2-3 किलोमीटर दौड़ लेते हो, बहुत होता है, एक एवरेज ह्यूमन बीइंग के लिए सफिशिएंट है ये। पर जब मैंने फर्स्ट माइलस्टोन अचीव किया व्हेन आई रैन 21 किलोमीटर्स, वहाँ मेंटल बैरियर सारे टूट गए और मुझे मेरे सर ने ही गाइड किया। उन्होंने बोला कि मोहित, तू फिटनेस की फील्ड में क्यों कुछ नहीं करता? मुझे तो ख्याल भी नहीं था, बट मैंने शुरुआत की, कोशिश की, योग सीखा। तो 2015 से मैं रेगुलर ट्रेनिंग्स कर रहा हूँ और वो बहुत अच्छा सफ़र है। लोगों को बहुत कुछ सिखा पाया हूँ नेचुरल वेज और आयुर्वेदिक तरीके, जिससे वो अपना लाइफस्टाइल और हेल्थ अच्छी कर सकें। और इस दौरान भगवान की दया रही कि बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले। हर एक साल में एक बड़ा अवार्ड तो मिल ही जाता है, बाकी छोटे मोटे चलते रहते हैं, बट आई रिस्पेक्ट ऑल। मोहित जी, अगर बात की जाए कि आपका ये सफ़र रहा, इस दौरान आपका जो अचीवमेंट्स हैं वो क्या कुछ हैं? अचीवमेंट्स मैं इंटेंजिबल ज़्यादा बताऊंगा, क्योंकि जो लोगों की खुशी है, लोगों की सेहत है, वो इम्प्रूव होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बाकी जो कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं लोगों से और कुछ सर्टिफिकेट्स, शील्ड्स, ट्रॉफीज मिलती हैं, वो भी वाकई में रिस्पेक्ट के काबिल हैं। ज़रूर मैं उनको उतनी ही वैल्यू देता हूँ, मगर जब लोग मुझे आकर कहते हैं कि मेरा स्टेमिना इतना बढ़ गया, मेरी हेल्थ कंट्रोल हो गई, मेरा वेट लॉस हो गया। और एक मुझे याद है एक किस्सा, एक आईटीएन था, वो ज़्यादा दौड़ नहीं पाता था और वो आईटीएन विद इन 2 मंथ्स ही कुड डबल हिज स्पीड। तो ये मेरी अचीवमेंट है, लोगों की सेहत में सुधार, लोगों की फिटनेस लेवल इंप्रूव होना, दैट इज माय अचीवमेंट। मोहित जी, अगर बात की जाए, आपने 2015 से शुरुआत की है, काफी लंबा सफर रहा है, तो जब आपने शुरुआत की तो सबसे पहले पेरेंट्स का सपोर्ट रहना जरूरी रहता है और साथ ही साथ जब आप इस सफर में निकले तो लोगों का भी सपोर्ट रहा, तो कितना सपोर्ट रहा फैमिली का, लोगों ने कितना सपोर्ट किया और कितना मोटिवेशन के साथ आप आगे बढ़ते रहे? तो फैमिली का मेरे को कंप्लीट सपोर्ट रहा है, लेकिन क्या होता है कि जब आप कुछ करते हैं तो वो केयर भी करते हैं आपकी। जब मैंने रनिंग स्टार्ट की थी तो 10 किलोमीटर जिस दिन मैं दौड़ा था, मेरे पैर में ब्लिस्टर्स हो गए थे, छाले हुए, तो उन्होंने बोला कि रनिंग छोड़ दे अब। तो वो केयर के लिए कहा था उन्होंने, इसलिए नहीं कहा कि वो मुझे करने नहीं देना चाहते। बट देन आई वेटेड फॉर अ फ्यू डेज, वो ठीक हुआ, फिर दौड़ा, तो उन्होंने मुझे हमेशा ही सपोर्ट किया। मेरे दोस्त हैं, विकास सिंह है, वो हमेशा हमेशा ही मुझे इनकरेज करता है अच्छा काम करने के लिए। और फिर मेरे कोच हैं रियाज सर, जिन्होंने मुझे स्टार्ट शुरुआत करवाई, और गगन अरोड़ा सर जो हमें कंसिस्टेंट ट्रेनिंग देते रहे, लगभग 5-6 साल उनसे मैंने ट्रेनिंग ली है। और विनय भारती सर को मैं ज़रूर थैंक्स करना चाहता हूँ, बिकॉज योग मैं उनसे ही सीखा हूँ एंड इट हैज़ बीन रियली अ नाइस जर्नी। बहुत सपोर्टिव रहे लोग, और जब आप ऑनेस्टली कुछ करते हैं तो भगवान अपने आप ही रिसोर्सेज भेज देता है आपकी तरक्की के लिए। मोहित जी, अगर बात की जाए, जिस तरह से भी देश भर में लॉकडाउन जारी था, इस लॉकडाउन के दौरान लाखों लोगों का रोजगार चला गया, जो कमाते हैं, जिनका छोटा मोटा काम तो वो भी बंद हो गया है। तो आपके अनुसार क्या लगता है कि जो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो ये कदम उठाया गया कि देश को लॉकडाउन कर देना चाहिए, लोगों को घर में बंद कर देना चाहिए, क्या ये फैसला ठीक था? देखो, ज़्यादा एनालिसिस उन्होंने ही किया होगा, मेरी समझ जो है
वो ये कहती है कि अगर गवर्नमेंट कोई भी स्टेप ले रही है कुछ सोच समझ के, पीछे कुछ रीजंस होंगे, रिसर्च की होगी उन्होंने, तब ये डिसीजन लिया होगा। अब लॉकडाउन से एक बेनिफिट ये हुआ है कि लोगों को घर में रहकर जीना सीखना आ गया, यानी कि लोग अपने घर से काम भी कर रहे हैं, कमा भी रहे हैं, और मैं ये कहूँगा जो करने वाले हैं वो घर से भी कर रहे हैं, विदाउट एनी रिसोर्स, विदाउट गोइंग टू ऑफिस, विदाउट ट्रेवलिंग, विदाउट हैविंग एनी फिजिकल इंटरेक्शन, सब कुछ हो रहा है। तो करने वाले कर रहे हैं, जो नहीं कर पा रहे उनको मैं चाहता हूँ कि वो फिर कोई और क्रिएटिव आइडिया यूज करें, कोशिश करें आगे बढ़ने की, काम सभी मोहित जी हेल्थ एंड फिटनेस आप जुड़े हो, प्रोफेशनल हो, तो जिस तरह से हर एक लोगों का, हर एक पर्सन का मतलब फिट रहना जरूरी है, राइट। तो जिस तरह से आजकल चल रहा है कि लोग बाहर के खाने को ज्यादा तवज्जो देते हैं, बाहर जाना, बाहर के खाने ही पसंद है, मतलब घर का खाना भूल जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या लोगों की तरह तरह की बीमारियां हो रही है, तो ये कितना भविष्य के लिए कितना नुकसानदायक है? तो अब इसका मैं जवाब देता हूँ। आप अगर देखो बहुत पीछे चले जाएं एंशियंट हिस्ट्री में, तो 1662 ईयर में हमारे पास जो डिस्कवरी थी वो थी 82 बीमारियां, 82 डिजीजेज थे, और आज की डेट में 2020 में वो 8000 हैं। ये क्यों? क्योंकि लाइफस्टाइल चेंजेस हुए। लाइफस्टाइल चेंजेस क्या हुए? गलत खाना, गलत तरीके से सोना, एक्सरसाइज नहीं करना, यानी कि इन शॉर्ट फिटनेस की तरफ ध्यान नहीं देना, बहुत कैजुअल रहना कि हम यार ठीक हैं, चल तो रहा है। अब ये एटीट्यूड होगा तो आपने रिजल्ट्स देख लिए हैं, फ्यूचर क्या होगा, स्पीड से बढ़ेंगे, यू कैन इजीली गेस, बताने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, अगर आप इसकी तरफ, अपनी सेहत की तरफ ध्यान नहीं देंगे, तो डेफिनेटली उसके रेपरकशंस हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है आने वाले वक्त में। तो माय सिंसियर रिक्वेस्ट कि आप बहुत बेसिक चीज़ें ही फॉलो करें, अच्छा खाएं, घर का खाएं, और डेली एक्सरसाइज करें, जिस भी कैपेबिलिटी के साथ आप कर सकते हैं उतनी एक्सरसाइज करें, और नींद पूरी लें, वो बहुत ज़रूरी है, लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, नींद लेना बहुत ज़रूरी है, वो पूरी लें। मोहित जी, अगर जैसे जो आज के यूथ हैं जो जिम कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं ये रहता है कि घर की चीज छोड़ करके, अवॉइड करके बाकी चीजें खाएं, उससे ज्यादा बॉडी पे ज्यादा असर पड़ता है, तो वो कितना, चाहे वो खतरनाक साबित हो सकता है या फिर वो फायदेमंद साबित हो सकता है, आपके अनुसार क्या है? देखो, बाहर का खाना नॉर्मली क्या होता है, दो चीजें हैं इसमें, एक तो द क्वालिटी ऑफ फूड, अब वो क्या इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहे हैं मार्केट में, वी डू नॉट नो, ठीक है, तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ा रिस्क है, और मैं तो उनको कहूंगा कि बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं, पता ना होने के बावजूद खाते हैं। सेकंड, जब घर का खाना होता है ना, या फिर हम किसी भी रिलीजियस प्लेस पे जाते हैं, वहां पर एक श्रद्धा और प्रेम के साथ बनता है, आप मेरे घर आएंगे, मैं आपको प्रेम से खाना खिलाऊंगा, ना कि इस मोटिव से कि मेरा इससे बिजनेस बेनिफिट होता है, तो वो प्रेम भी ट्रांसफर होता है, वो एनर्जी भी ट्रांसफर होती है, जो कि बाहर के खाने में नहीं है। तो ये आपके खाने की क्वालिटी प्लस जो एनर्जी जा रही है फूड में, दोनों मिक्स करके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी दे सकती है और बहुत खराब भी दे सकती है। नाउ यू हैव टू डिसाइड व्हाट डू यू वांट। मोहित जी, अगर बात की जाए आजकल के जो युवा हैं वो जिम की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, मतलब जो योगा नहीं करना चाहते, तो उन लोगों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे कि योगा भी जिम से ज्यादा बेनिफिट है? देखो, इसका बहुत सिंपल आंसर है, कंपैरिजन इसका डायरेक्ट नहीं है। जिम के अपने बेनिफिट्स हैं, वो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स पर वर्क करता है, आपकी मस्कुलर डेवलपमेंट होती है, बहुत अच्छी बात है। योग जो है वो बाहर जितना ज़्यादा अफेक्ट करता है, हेल्प करता है, उससे ज़्यादा इंटरनल ऑर्गन्स को प्योर करता है, क्लीन करता है और उनको डेवलप करता है। तो योग का अपना एक महत्व है, जिम का अपना एक महत्व है, आप जैसी एक्सरसाइज करना चाहें करें, बट कुछ ना कुछ जरूर करें, योग थोड़ा बहुत करें। अगर आप जिम में ज़्यादा रेगुलर जाते हैं, दैट इज़ टोटली ओके, बट साथ में थोड़ा थोड़ा योग करें। और ऐसे ही अगर आप योग ज़्यादा करते हैं, योगिक लाइफ जीना चाहते हैं, और साथ में आपको पसंद है थोड़ी सी मस्कुलर बॉडी, तो आप वेट लिफ्टिंग करें या फिर बॉडी वर्कआउट भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास इक्विपमेंट्स नहीं है तो आप बॉडी को यूज़ करते हुए आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं। ठीक है, मुझे अगर बात की जाए कि आपका 2015 से सफर शुरू हुआ और 2020 हुआ, मतलब आपको 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, तो अगर आप फ्यूचर गोल्स की बात की जाए, क्योंकि इस दौरान तो आपने काफ़ी सारे अचीवमेंट अपने नाम हासिल कर लिए हैं, लेकिन अब फ्यूचर गोल्स की बात करें तो क्या कुछ आपके गोल्स रहे हैं? तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है सवाल। दो गोल्स हैं मेरे, अभी हाल ही में जो हुआ उसको देखकर गोविंदा जी से मुलाकात हुई, मिनीषा लांबा जी से अवार्ड प्राप्त हुआ, तो इसके बाद मेरा नेक्स्ट टारगेट तो अब यही है, अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी से ऐसे ही अवार्ड मिल पाए, आई विल बी वेरी हैप्पी। और उससे बड़ा एक मिशन है मेरा, दैट इज़ मेडिसिन फ्री लाइफ। तो जो भी इंसान है, मैं चाहता हूँ कि मेडिसिन फ्री लाइफ रहे, उनकी डिजीज़ फ्री लाइफ रहे, और उसमें मैं कॉन्ट्रीब्यूट कर पाऊँ
हर एक इंसान के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, एंड द बेसिक मीडियम विल बी टू टेल देम अबाउट नेचुरल वे ऑफ लिविंग। सर आखिर में चलते चलते बात करते हैं कि आज इस प्लेटफॉर्म से जो यूथ है उसको क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? ओके, तो यूथ को मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपनी अपने शौक पूरे करें, खुश रहें, और साथ ही साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। एंड व्हाट यू कैन डू इज बिकॉज यू पीपल आर वेरी एक्टिव, तो आप अपनी एनर्जी चैनलाइज करें सही डायरेक्शन में, और आप बिलीव नहीं करेंगे आपका सफ़र जहां से भी आज शुरू होना है, चाहे वो करियर है, चाहे वो आपकी पर्सनैलिटी है, या लाइफ का कोई भी आस्पेक्ट है, जहां भी शुरू हो रहा है वो बहुत आगे जाएगा इफ़ यू आर डिसिप्लिन्ड एंड इफ़ यू फॉलो द राइट डायरेक्शन। बस इतनी सी मेरी दरख्वास्त है आपसे, एंड यू विल अचीव मैसिव सक्सेस। That's what I wish for you and I pray for you and I want to help you in that direction. ये थे हमारे साथ मोहित ठगराल जी, जिससे हमने खास बातचीत की। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, जुड़े रहे दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस के साथ क्योंकि हर खबर है जरूरी। थैंक यू।